अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। हेलो चिल्ड्रंस, टुडे वी विल स्टार्ट उर्दू मीडियम लेसन्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट, माय इंग्लिश बुक 3, थर्ड स्टैंडर्ड। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूनिट 1, प्ले टाइम। लिसन, रिपीट एंड सिंग विथ एक्शंस। बच्चों, अब आपको यहाँ पर सुनना है और मेरे बाद दोहराना है और गीत को हरकत के साथ गाना है। फन टाइम, प्ले टाइम, नाउ वी रन, नाउ वी क्लाइम, अप द लेडर एंड डाउन द स्लाइड, अ मैरी गो राउंड, Let's talk a ride. Here's a swing, go to and fro, bounce the seesaw high and low. बच्चों, यहाँ पर देखो, एक बहुत बड़ा गार्डन है। तो इस गार्डन में बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं इस गार्डन में। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि झूला है, सी सॉ है और झूले हैं और बहुत सी चीज़ें खेलने के लिए बच्चों के लिए। तो यहाँ पर हम अब देखते हैं फन टाइम, प्ले टाइम। ये अब कौन सा वक्त है, ये लोग क्या बता रहे हैं? फन टाइम यानी मज़े का वक्त, प्ले टाइम यानी खेलने का वक्त। नाउ वी रन, नाउ वी क्लाइम यानी अब हम क्या करेंगे? भागेंगे सब, अब हम भागेंगे सब। और ऊपर चढ़ना, क्लाइंब यानी चढ़ना, अब हम चढ़ेंगे, इसका मतलब होता है चढ़ना। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं? झूले, ये झूले पर भी चढ़कर बैठ रहे हैं, हर चीज़ पर चढ़कर बैठ रहे हैं। अप द लेडर एंड डाउन द स्लाइड। बच्चों, अप द लेडर का मतलब होता है सीढ़ी, यानी हम सीढ़ी के ऊपर चढ़कर क्या करते हैं? डाउन द स्लाइड यानी नीचे की तरफ हम फिसलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फिसल कुंडी। ठीक है, हमने हर गार्डन में देखा है कि बच्चे ऊपर चढ़कर नीचे फिसलते हैं। यहाँ तस्वीर में भी देखो, कुछ बच्चे स्लाइड कर रहे हैं नीचे की तरफ। अ मैरी गो राउंड, लेट्स टॉक अ राइड। बच्चों, मैरी गो राउंड का मतलब होता है चक्री वाला झूला। तो हम क्या करेंगे? चक्री वाले झूले में लेट्स टेक अ राइड, उसमें हम क्या करेंगे? राइड करेंगे यानी झूलेंगे। ठीक है, हियर इज अ स्विंग, गो टू एंड फ्रो। स्विंग यानी झूला। ठीक है बच्चों, हियर इज अ स्विंग यानी झूले पर बैठकर क्या करेंगे हम? गो टू एंड फ्रो, ऐसे उड़ेंगे, झूला झूलेंगे। ठीक है, बाउंस द सी सो हाई एंड लो। तो जो ये सी सो है, सी सो का मतलब होता है एक ऐसी ऊपर नीचे करने वाला ही झूला होता है, वो ऊपर नीचे, एक साइड से हम ऊपर उठेंगे तो एक दूसरी बच्ची नीचे जाएंगी। ठीक है, सी सो हमने हर गार्डन में देखा है, सी सो। ठीक है बच्चों, हाई एंड लो वो कैसे होता है? कभी हाई होता है, कभी एकदम ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, ऐसे करके ये लोग क्या कर रहे हैं? बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी खेले होंगे गार्डन में, इतने सारे झूले और बहुत सारी चीज़ें हैं देखो खेलने के लिए, बच्चे अलग अलग टाइप के खेल रहे हैं चीज़ें लेकर। फाइंड द फॉलोइंग इन द पिक्चर अबव। बच्चों, अब नीचे दी हुई चीज़ें ऊपर की तस्वीर में हमें क्या करना है? ढूंढना है, तलाश करना है। अब देखो, लेडर, लेडर का क्या मतलब होता है बच्चों? लेडर का मतलब होता है ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी है ना, यहाँ पर नज़र आ रहा है, हम देखेंगे यहाँ पर सीढ़ी को, चार नज़र आ रहे हैं हमें, एक दो तीन चार, चार सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं। स्लाइड, स्लाइड भी क्या है? सीढ़ी के सामने हैं, जो नीचे हम फिसलते हैं ना, उसको बोलते हैं स्लाइड, तो वो भी चार हैं। मैरी गो राउंड, देखो यहाँ पर चक्री वाला झूला है, गोल घूमने वाला, यहाँ पर तीन बच्चे झूल रहे हैं। स्विंग, यहाँ पर देखो झूला दो है,
ठीक है, यहाँ पर दो झूले हैं लेकिन एक ही बच्ची उसमें झूल रही है। सीसो यहाँ पर कितने हैं? दो है बच्चों। ये सीसो में चार बच्चे खेल रहे हैं, एक सीसो में दो बच्चे और एक सीसो में दो बच्चे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देख लिया। अब देखो रिवीजन करना है। लुक से एंड ऐड मोर वर्ड्स टू टीच ग्रुप। हमें क्या करना है, बहुत सारे लफ्ज तैयार करना है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे। लिसन केयरफुली एंड लर्न टू प्ले दिस गेम। गौर से सुनो और इस खेल को खेलना सीखो। अब आपको यहाँ पर देखो अ गेसेस गेम। अब यहाँ पर एक गेम है, आपको वो खेल सीखना है। ठीक है, टीचर प्लीज पे अटेंशन, टुडे वी आर गोइंग टू प्ले अ गेसिंग गेम। अब यहाँ पर देखो टीचर बच्चों को बता रही हैं, प्लीज़ पे अटेंशन, बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, आज हम लोग एक गेम खेलेंगे, अ गेसिंग गेम, यानी गेस करना, यानी सोचना, यानी हम वो गेम के बारे में सोचेंगे। ठीक है, गेस, वो गेम का नाम ही है गेसिंग गेम, सोचने वाला गेम। ठीक है, आई विल गिव अ कार्ड टू ईच वन ऑफ यू, लुक एट द पिक्चर एंड द वर्ड ऑन योर कार्ड, डोंट शो इट टू द अदर्स, इट्स अ फ्रूट। ठीक है, अब यहाँ पर जो टीचर है वो बच्चों को एक एक कार्ड देंगे, एक एक। ठीक है, वो कार्ड देकर हमें किसी को बताना नहीं है कि उसके अंदर क्या है। ठीक है, वो पिक्चर देखना है हमें और किसी को नहीं बताना है। और इट्स अ फ्रूट, वो कार्ड के अंदर क्या रहेगा, फ्रूट रहेगा कोई भी। ठीक है, डू यू नो द इंग्लिश वर्ड फॉर इट, क्या आपको वो इंग्लिश वर्ड फ्रूट का पता है? गुड, नाउ दैट्स योर नेम। मेक ग्रुप ऑफ फाइव, Each group will sit down in a circle. Now let your friends guess your name. If they can't, show them your card and tell them who, what you are. Ready? तो यहाँ पर बच्चों अब हमें क्या करना है, पांच लोगों का ग्रुप बनाकर सबके नाम हमें वो कार्ड में जो है वो सबके नाम हमें पहचानना है। अब जैसे कि फ्रूट्स के नाम हैं, तो फ्रूट्स के नाम किसके पास कौन सा फ्रूट है ये हमें पहचानना है। नाउ लेट योर फ्रेंड गेस योर नेम, तो ऐसे करके एक दूसरे का हमें नाम पहचान कर बताना है। इफ़ दे कांट शो देम योर कार्ड, अगर वो नहीं पहचानते हैं तो आपको उनका आपका कार्ड बताकर उनको बताना है कि ये कार्ड में क्या है, और टेल देम हुम व्हाट यू आर। ठीक है, और आप उनको कार्ड दिखाकर बताएंगे कि तुम कौन हो। ठीक है, वैसे ही देखो यहाँ पर पांच बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे के हाथ में एक एक कार्ड है। ठीक है, एक बच्चा बोलता है आई एम एन ऑरेंज, मैं क्या हूँ, एक ऑरेंज हूँ। आई एम अ बनाना, मैं एक बनाना हूँ। आई एम अ लेमन, मैं क्या हूँ, लीमू हूँ। आई एम अ गुआवा, मैं क्या हूँ, पेरू हूँ। आई एम अ मैंगो। तो ये सब बच्चे एक दूसरे को आपस में ऐसे गेम खेल रहे हैं। ये गेम आप भी ग्रुप बनाकर सहेलियों के साथ खेलो बच्चों। ठीक है, अगर बच्चों आपको कार्ड में जो फ्रूट्स है उसके नाम नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे, वो कार्ड में से जो फ्रूट्स है उसको देखकर उसके नाम को याद करेंगे। और अगर आपको वो चीज़ पता नहीं है तो एक दूसरे के कान में वो लफ्ज़ बोलकर क्या करना है, आपको याद करना है कि ये है एप्पल, ये है मैंगो, ये है ऑरेंज, ये है गुआवा, ये है लेमन, ऐसे करके वो कार्ड के आपको नाम याद करना है। ठीक है,